इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाएं। मिस्र के एक पुराने पिरामिड के पास जमीन पर चलने से अजीब से आवाज आने पर आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की तो 4000 साल पुराना राज खुला कि जिसे जानकर दुनिया पूरी हैरान हो गई। जी हाँ दोस्तों, खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ एक नया मकबरा पाया और एक ऐसी चीज सामने आई जिनके उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मिस्र के संस्कृति मंत्रालय के एक ऑफिशियल मुस्तफा वजीर ने कहा कि ये पिछले कुछ दशकों से हुई अपने आप में एक अनोखी खोज है। यह मकबरा राजधानी के काहिया के सक्कारा प्रांत के एक पिरामिड के पास मिला है। मकबरे के अंदर बनी रंग बिरंगी नक्काशी और फेरों की भीमकाय मूर्तियां देखने के लायक है। एक्सपर्ट का मानना है कि पिरामिड के करीब जमीन के ऊपर हिस्से की आवाज दो वजह से आ रही थी। एक कि ये जमीन के नीचे काफी हिस्सा खाली था, वही दूसरी जगह से यह हवा आ जाने की अजीब सी आवाज आ रही थी। एक्सपर्ट ने बताया है कि यहाँ उस दौर का सबसे बड़े पुजारी या धर्मगुरु रहता था, उसका नाम व्यात्य था। चित्रों में व्यात्य अपनी माँ, पत्नी और परिवार के साथ बैठे दिख रहे हैं। अंदर चीजें इतनी सुरक्षित है जिसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि पिछले 4400 सालों से ये अछूता है। एक्सपर्ट अब आगे इस मकबरे की खुदाई शुरू करेंगे और इन्हें इसके अंदर कुछ और चीजें मिलने की उम्मीद है। माना जाता है कि इस दौर के सबसे बड़े धर्मगुरु की कब्र भी यहाँ मिल जाएगी। मिस्र में इस दौर में पुजारियों और धर्मगुरुओं का विशेष महत्व था। उनके जरिए मिस्र के भगवान को खुश करने की कोशिश की जाती थी।